हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चैनल बनाया तो आपको करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड पाओगे। और अभी बज रहा है दिन का 1:30, मैं अंबिका के स्कूल से आने का वेट कर रही हूँ, तो सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अंबिका का एक कुर्ता बनाने, फर्स्ट टाइम मैं उसके लिए कोई कुर्ता बना रही हूँ, देखते कैसे बनता है। स्टिचिंग तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी कैसा बनाया है, कैसा क्या है। मेरे पास एक सूट का अस्तर का मीन्स मैंने आपके साथ सूट को शेयर किया, तो उसका थोड़ा बहुत अस्तर बचाता हूँ, उसी को अस्तर लगा के उसके लिए कुर्ता बना दूँगी मैं। और आज है सावन सोमवार का तीसरा सावन सोमवार, तो आज मैं थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहना मैंने रेडी हुआ है। मैं हर सावन सोमवार में साड़ी जरूर पहनती हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक है तब मैंने स्टार्ट किया पहनना। अभी मेहंदी भी लगवाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि सावन निकल गया, मैं इस बार मेहंदी नहीं लगा पाई, आज तक मैंने लगाया हुआ है। तो जैसा भी होगा मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, जैसा भी ब्लॉग में होगा। और फिलहाल मेरा एक पार्सल भी आने वाला है, मैंने अंबिका के लिए कुछ मंगाया है, वो सरप्राइज़ रहेगा, वो शायद अभी आपके साथ शेयर ना करूँ मैं। मैंने उसके लिए राखी के लिए ड्रेस मंगाया है, तो पार्सल भी आने ही वाला, कॉल आया है तो वो भी दिखा दूँगी, मीशो से मंगवाया मैंने। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ अंबिका, आ जाओ देखते सूट क्या आपके साथ कैसा क्या शेयर होता है। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे पार्सल आ चुका है मीशो से, और मैंने क्या मंगवाया वो मैंने आपको बता तो दिया है किसके लिए मंगवाया, लेकिन क्या मंगवाया वो नहीं बताया, वो बाद में पता चलेगा आपको। बहुत सुंदर ड्रेस मंगवाया अंबिका के लिए, तो ओपनिंग का वीडियो भी बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सूट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये ब्लैक जो सूट है इसके नाप का मैं अंबिका के लिए सूट बना रही हूँ। कटिंग शेयर नहीं की है, तो मेरे पास सूट का अस्तर बचा हुआ था मेरे आपके साथ, वो सूट मैंने शेयर किया जिसका मैंने स्कर्ट में कन्वर्ट किया था। तो ये मेरे पास 10 रुपये का नेट पड़ा था, वो अंबिका के लिए काफ़ी था, 10 रुपये में 1 मीटर नेट था, तो उसका पूरा सूट मैंने बना दिया है। और थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी, तो ये वो अस्तर है जो सूट से बचा हुआ था, अंबिका के नाप का ही बचा था, तो मैंने सोचा कि सूट बना देती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अंबिका के लिए सूट बनाया, काफ़ी अच्छा बना था, आप लोग बताना कैसा लगा। आजकल मैं नई नई ड्रेसेस बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो अभी आपको स्टिचिंग वीडियो मेरे कैसे लगते हैं वो बताइएगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा भी होता है मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन A to Z वीडियो में शूट नहीं कर पाती बिकॉज कैमरा पकड़ो की कटिंग करो वो समझ नहीं आता है। फुल स्टिचिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगर नेक्स्ट टाइम कुछ बनाऊँ तो फुल स्टिचिंग वीडियो आपके लिए शेयर करूँगी। तो सूट बन के इस तरह से तैयार हुआ, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा बना था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बना लूँगी, क्योंकि स्लीव्स मैंने अंदाजे से कट किया था, और इस ब्लैक सूट से मैंने मीन्स इसका नाप लेके कटिंग की थी। तो मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ फिलहाल मैम, कि कोई नाप का कपड़ा हो उससे मैं बना लेती हूँ। तो अंबिका जब स्कूल से आ जाएगी वो आपको मैं वेयर भी करके दिखाएगी कैसा लग रहा है वेयर करने में, लेकिन पहन नहीं रही थी क्योंकि उसको नेक चुभ रहा था, बोल रही है कि मुझे नेक पसंद नहीं है, मैं पहनूंगी नहीं चुभ रहा। लेकिन हाँ, खुश हुई थी कि मैंने उसके लिए कुछ फर्स्ट टाइम कुछ ड्रेस बनाया। तो ये देखो, ये दूसरे प्लाजो के साथ इसने वेयर किया, इसके लिए मुझे कुछ बनाना है, इस कुर्ते के लिए मैं प्लाजो या कुछ भी बनाऊँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं हल्ता दिखा रही हूँ कि मैंने हल्ता लगाया है काफ़ी टाइम बाद। तो सावन सोमवार तो चल रहे हैं, आजकल इतना भी याद नहीं कौन सा सावन सोमवार है, 4th है कि 5th है, आजकल इतना कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, ये मेरी भाभी की बेटी है, आप लोग को पता ही है, तो मुझे लगा कि मेहंदी लगवाना चाहिए, सावन सोमवार में मेहंदी लगवाना अच्छा होता है, मीन्स सावन में मेहंदी लगवाना अच्छा होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मेहंदी नहीं लगाई थी, आई थिंक मैंने 1 ईयर से मेहंदी नहीं लगवाई है, कुछ होता है ओकेजनली तभी मैं मेहंदी लगाती हूँ, करवा चौथ वगैरह में, अदरवाइज मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि मेहंदी लगाना चाहिए, तो आजकल जो मन करता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मेहंदी काफ़ी सुंदर लगाई थी, आप लोग बताना मेहंदी कैसी लग रही है। पूरी मेहंदी भी अभी आपको कंप्लीट होने पर मैं दिखाऊंगी, और अच्छी कैसी वो भी दिखाऊंगी। और मैंने ये सिर्फ 10 मिनट मेहंदी रखी थी, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था, तो मैंने मेहंदी धो ली थी अपनी, तो 10 मिनट में ही इतना कलर आया। वैसे भी आजकल की मेहंदी ऐसी होती है, आप 5 से 10 मिनट भी लगाओगे तो वो डार्क हो जाती है, पहले जैसी मेहंदी अब आती का तो डार्क हो ही जाती है उनमें। तो आप बताना मेहंदी कैसी लगा रही है, काफ़ी अच्छे से मेहंदी लगाती है, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती है। तो मुझे मेहंदी लगाना पहले इतना ज़्यादा पसंद था, लेकिन आजकल मैं नहीं लगाती हूँ, तो ज़्यादा पूरे हाथ में मेहंदी नहीं लगा रही, लगवाया मैंने नॉर्मल डिज़ाइन, थोड़ा बहुत ही मुझे लगवाना था तो मैंने लगवा लिया। अब ये देखो इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ।
देन आगे आपको दिखाऊंगी कि मेहंदी कैसी कंप्लीट हुई। तो ये देखो इस तरह से मेहंदी लगवाई है मैंने। मैं बैक साइड में भी मैंने हल्का सा डिज़ाइन लगवाया है, फ्रंट में इतना। तो मेहंदी आपको कैसी लग रही है वो बताना है। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज टाइम के मिल नहीं पाता है कि ब्लॉगिंग ज़्यादा प्रॉपर शूट करूँ। और मेहंदी का कलर कैसा आया तो वो भी आप लोग देख लो। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ ये मैं, और नेक्स्ट डे मैं जाके अपने लिए चूड़ियाँ भी लेकर आई थी, बिकॉज मैं सावन में चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती हूँ। पहले तो मुझे मिल जाती थी, लेकिन इस साल चूड़ियाँ मिली नहीं तो मैंने खुद से ही ले ली। और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैंने ली हैं, देखो कितनी सुंदर चूड़ियाँ लग रही है। और जो रोड साइड आंटी लोग बैठते हैं, आप लोग भी उन्हीं से लीजिए, मैं अभी ले लेती हूँ ताकि उन लोग की भी हेल्प हो जाए। तो पहनने पर चूड़ियाँ कैसी लग रही है वो मैं दिखाऊँगी, और आके आपके साथ कुछ और वीडियो के साथ जल्द से जल्द आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और मैंने जो अंबिका के लिए सूट बनाया उसकी फ़ोटो, और अपने लिए जो सूट बनाया उसकी फ़ोटो आपको मैं आगे दिखा दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। तो तब तक लिए टेक केयर, लव यू ऑल, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।